हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राधा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। ये क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए भी, एस्पिरेंट्स के लिए जो कि साइंस सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर टू में जो आता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, प्लस उसके सामने जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करिए। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बॉडी मूवमेंट्स। ये चैप्टर मैंने लिया है क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। ये कंटेंट जो है इसी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट है क्लास सिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी और सीटेट पेपर टू साइंस सेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक है, टॉपिक का द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहले हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं, पाइवट जॉइंट है। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट्स क्या होते हैं। अगर आप अपने हैंड्स को मूव करेंगे तो एक पोर्शन होता है जहाँ से आप बेंड करते हो। अगर आप अपने हैंड को मूव करोगे एल्बो से, तो एल्बो जो है एक तरह का जॉइंट है। यहाँ पर दो बोन्स जो हैं मिल रहे हैं और बना रहे हैं एक तरह का जॉइंट, यानी कि दो चीज़ जैसे जॉइन करती हैं, जॉइन होती हैं, उसी से बना है जॉइंट। एग्जाम्पल है जैसे एल्बो है, शोल्डर है, नेक है। इसकी वजह से क्या है, हम अपने बॉडी को जॉइंट्स की वजह से बॉडी को मूव कर पाते हैं, बोन्स को मूव कर पाते हैं, मसल्स को मूव कर पाते हैं। तो हमें डिफरेंट जो मूवमेंट्स हम करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये सब हम इन बोन्स के जॉइंट्स की वजह से कर पाते हैं। अब जो फर्स्ट टाइप का जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक बॉल है और सॉकेट मींस एक कवर है उसका। तो अगर आप एक स्टिक लें, उसमें एक बॉल को फिक्स कर दें और बाहर से उसका बॉल का कवर लगा दें, तो आप क्या देखेंगे, जो स्टिक है वो उस बॉल की वजह से सारे डायरेक्शंस में मूव कर पाएगा। उसी तरह आप अपने लेग का जो रीजन है, लेग जो हिप रीजन से जॉइन करता है, थाइस वाला पोर्शन जो हिप से जॉइन कर रहा है, तो वो पोर्शन जो है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर पाता है। तो ये एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें शोल्डर जॉइंट जो है, जो आपका हैंड जो है शोल्डर से जॉइंट है और वो वाला पोर्शन आपका सारे डायरेक्शंस में मूव कर पाता है, तो ये भी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी और हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज पाइवोटल जॉइंट। इसमें क्या होता है, ये वाला रीजन जो है ये पाइवोटल जॉइंट है, जहाँ पर हमारा जो नेक है वो हमारे स्कल से जॉइन हो रहा है। तो ये एक तरह का पाइवोटल जॉइंट हो गया। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंस द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड। तो हमारा जो हेड है उसकी इस जॉइंट की वजह से, पाइवोटल जॉइंट की वजह से, हम फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ, साइडवेज दोनों लेफ्ट एंड राइट हम साइडवेज भी मूव कर लेते हैं। तो ये हो गया पाइवोटल जॉइंट। नेक्स्ट टाइप जो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एक तरह का, जैसे आपने डोर का मूवमेंट देखा होगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है डोर का, उसी तरह से ये हिंज जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि एल्बो जॉइंट है और हमारा नी जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट्स में होते हैं, क्योंकि एल्बो जो हाथ का जॉइंट है वो हम एक ही डायरेक्शन में अपने एल्बो को मूव कर पाते हैं बैक एंड फोर्थ। इसी तरह हम नी जॉइंट जो है वो भी हम बैक एंड फोर्थ एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर पाते हैं, सारे डायरेक्शंस में मूव नहीं कर पाते, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर पाते, तो ये एक तरह का हिंज जॉइंट है। नेक्स्ट जो टाइप है जॉइंट का वो है फिक्स जॉइंट। इसको हम
इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको मूव नहीं कर सकते, जो बोन्स हैं यहाँ की हम मूव नहीं करा सकते इनको। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? बेसिकली ये प्रेजेंट है स्कल में, स्कल में प्रेजेंट है। ये जो जॉइंट्स हैं ये फिक्स जॉइंट्स हैं। देयर आर सम बोन्स इन अ हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स। दीज बोन्स कैनॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सो दे आर नोन एज फिक्स्ड जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। अब हम हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो किसकी वजह से है? हमारा टिपिकल जो स्केलेटन है, हर एक एनिमल का अलग अलग स्केलेटन होता है। हमारा जो स्केलेटन है वो कुछ इस तरह का है। तो ये आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये हमारा ही स्केलेटन है? तो एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने एक्सरेज कराए होंगे, अगर आपका कभी बोन फ्रैक्चर हुआ है या कभी डॉक्टर ने रेफ़र किया है कि आपको एक्सरे कराना चाहिए, तो एक्सरेज उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमारा जो स्केलेटन है वो कुछ इस तरह का है। ऊपर स्कल है, यहाँ पर रिब्स हैं, यहाँ पे पेल्विक बोन्स हैं, और ये लेग बोन्स जो हैं, इनको डिटेल में आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, अभी सिक्स क्लास का हम पढ़ रहे हैं। तो स्केलेटन क्या है? इट इज़ द फ्रेमवर्क, द बोन्स इन अ बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आर बॉडी। दिस फ्रेमवर्क इज नोन एज स्केलेटन। अब स्केलेटन में जो मैंने ये वाला पार्ट बोला था, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं रिब केज, इसके बारे में पढ़ेंगे। द रिब्स, ये जो रिब केज है, कई सारी बोन्स से मिलके बना हुआ है ये सारी बोन्स, इनको हम रिब्स बोलते हैं। ये रिब्स कुछ इस तरह से बेंड होती हैं कि ये चेस्ट बोन को जॉइन करती हैं, और बैक साइड में होती है एक बैक बोन। अगर आप कभी बैठे होगे और आपने ऑब्जर्व किया होगा किसी के बैक को, तो एक बीच में, मिडल में, बैक के मिडल में एक बोन जाती है, सिंगल बोन, उसको हम बोलते हैं बैक बोन। बैक बोन जो है वो कई सारे छोटे छोटे बोन से बना हुआ है, और द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स एट द बैक साइड। और रिब केज जो है, इसका फंक्शन क्या है? द इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी लाइ प्रोटेक्टेड इन दिस केज। रिब केज के अंदर जैसे कि लंग्स हैं, हार्ट हैं, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, ये इसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और भी बोन्स, जैसे शोल्डर बोन है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो आपके बैक पोर्शन में, तो कुछ इस तरह के बोन्स निकले हुए होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं, इस तरह के बोन्स, ट्रायंगुलर बोन्स जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। और जो लोअर पोर्शन है हमारा, स्टमक के नीचे का जो पोर्शन है, जो पोर्शन जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं पेल्विक बोन। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, तो इसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स। अब हम देखेंगे मसल्स, कैसे मसल्स और जो बोन्स हैं दे वर्क टुगेदर। यहाँ पर जो है बोन्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो कुछ मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ जो फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पर जो है बाइसेप्स वाला पोर्शन जो है, यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ऑपोजिट मसल्स जो ट्राइसेप्स की मसल्स हैं वो रिलैक्स कर रही हैं। सिमिलरली अगर ऑपोजिट जाएंगे हम, तो यहाँ पर बोन्स जो हैं, हम जॉइंट जो है, जॉइंट की वजह से हम बोन्स को अलग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर जो बाइसेप्स वाला पोर्शन है वो रिलैक्स करेगा, और ट्राइसेप्स वाला पोर्शन जो है, ट्राइसेप्स वाली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो अगर आप कभी वॉक कर रहे हो, कभी रनिंग कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, जो लोअर पोर्शन होता है लेग का, वहाँ की मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, इफ़ यू टच योर लोअर मसल्स, लोअर मसल्स ऑफ लोअर लेग, देयर इज़ सम स्टिफनेस, स्टिफनेस होता है, दे आर हार्ड मसल्स। तो किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ की मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप वॉक कर रहे हो या रन कर रहे हो, तो अदर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगी। तो दीज मसल्स दे ऑलवेज वर्क इन पेयर्स, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन्स
इस द बोन इज़ पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, जो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बोन्स उस डायरेक्शन में पुल किए जाएंगे, अगर पुल नहीं करेंगे उनको बोन्स को हम अलग कर देंगे तो क्या होगा, वो मसल्स रिलैक्स करेंगी और ये ऑल्टरनेटली एक मसल रिलैक्स करेगी तो दूसरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे ये वर्क करती हैं. टू मूव द बोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन सेम इज़ डन हेयर, यहाँ पर पुल हो रही हैं बोन्स तो एक मसल रिलैक्स कर रही है एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. सिमिलरली अगर हम बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी मसल तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी अभी रिलैक्स करेगी. अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. तो जो मसल्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स. अब हम देखेंगे, हमने बोन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने मसल्स के बारे में पढ़ लिया, एक इंटरमीडिएट चीज़ होती है दोनों के बीच में जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज. इफ़ यू ऑब्जर्व योर ईयर, दिस इज़ एन ईयर, जो लोअर पोर्शन होता है जिसे हम लोब बोलते हैं, अगर आपने ये टच किया हो और अपर पोर्शन ये वाला पोर्शन टच किया हो तो आपको कुछ डिफरेंस लगेगा. जो अपर पोर्शन है दैट इज़ हार्ड एंड द लोअर पोर्शन इज़ सॉफ्ट. तो ये किसकी वजह से है, ये जो आपने अपर पोर्शन टच किया तो ये हार्ड बोन के जैसा हार्ड है या मसल के जैसा हार्ड है, तो ये इंटरमीडिएट है, नॉट एज हार्ड एज बोन और एंड नॉट एज सॉफ्ट एज मसल. तो ये इंटरमीडिएट है जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज. पहले स्कल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. द स्कल इज़ मेड ऑफ मेनी बोन्स जॉइन टुगेदर, इट एनक्लोजेज अ पोश इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ ब्रेन. हमारा जो ब्रेन है ये हमारे स्कल की वजह से प्रोटेक्टेड है. जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हैं हार्ट हैं ये रिबकेज हमारा प्रोटेक्ट करता है. तो ये जो बोन्स है एक तरह का हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सिमिलरली हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है, इसलिए जो हमारा स्कल है वो उसको प्रोटेक्ट करता है. देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर नोन एज कार्टिलेज. तो हमारे स्केलेटन का वो पार्ट जिसको जो बोन की तरह हार्ड भी नहीं है और मसल की तरह सॉफ्ट भी नहीं है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज. तो ईयर का एग्जाम्पल ले लिया, कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ योर बॉडी. अब हम पढ़ेंगे गेट ऑफ एनिमल्स. गेट ऑफ एनिमल्स से मतलब क्या है, गेट मतलब इट इज़ द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिम्स. जो हमारे लिम्स हैं उसके पैटर्न को, उनके मूवमेंट के पैटर्न को के बारे में पढ़ना, ये है गेट ऑफ एनिमल्स. इट इज़ द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स ऑफ एनिमल्स. तो सबसे पहले जो हम गेट ऑफ एनिमल्स में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म के बारे में. अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, बेसिकली ये इसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं क्योंकि ये सॉइल को जो है वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, उसको सॉइल को काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है क्योंकि इसका जो फूड है वो बेसिकली सॉइल ही है. द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज़ मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड. तो ये मूव कैसे करता है, इसके लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें बोन्स नहीं होती, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो दिस पिक्चर, ये जो लोअर पोर्शन है ये फिक्स कर लेता है, ये इस तरह से मूव करता है कि एक पार्ट जो है फिक्स कर लेता है फिर दूसरे पार्ट को मूव करवाता है. फिर अगर उसको बैक वाले पार्ट को मूव कराना है तो फर्स्ट पार्ट जो आगे वाला पार्ट है उसको फिक्स कर लेगा और बैक पार्ट को फिर मूव करवाएगा. तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है. तो ये किसकी वजह से होता है, बेसिकली जो रिंग्स होती हैं, मसल रिंग्स जो होती हैं उसकी वजह से होता है. इसमें जो मसल्स हैं वो रिंग फॉर्म में होती हैं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से रिंग्स बनी हुई हैं. तो ये हो गया इस तरह का मूवमेंट जहाँ अर्थवॉर्म इस तरह से मूव करता है सॉइल में. तो मूवमेंट के दौरान ये अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड.
इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. तो कुछ इस तरह से इसका मूवमेंट होता है. तो ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मूव कर पाता है. रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थ कैन मूव थ्रू द सॉइल. तो ये इस तरह से मूव करता है. और ये इसको लुब्रिकेट कौन करता है? ये जो रिंग्स में जो मसल्स रिंग्स में जो ल्यूब्रिकेशन है वो बेसिकली एक स्लाइमी सब्सटेंस ये सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन होता है और इसको मूवमेंट में हेल्प मिलती है. इसकी बॉडी के नीचे कुछ टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको सॉइल में एक तरह से स्टिक करने में अधेयर करने में हेल्प करती हैं. द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स. द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. तो ग्रिप बनाने के लिए ब्रिसल्स जो हैं इसकी हेल्प करते हैं. इसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एनिमल के बारे में जिसको हम बोलते हैं स्नेल. स्नेल का आपने ये वाला पार्ट जो ये शेल पार्ट है इसको देखा होगा. द राउंडेड स्ट्रक्चर अ स्नेल कैरीज ऑन इट्स बैक दिस इज नोन एज शेल. एंड द आउटर स्केलेटन दिस इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट नॉट मेड ऑफ बोन्स. तो बोन से नहीं बना है ये जो शेल है. इट इज़ अ सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट का बना हुआ है और ये किसी भी तरह का मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है. ये स्नेल अपनी बैक पे अपनी बॉडी पे कैरी करता है और अपने साथ ड्रैग करता है. तो अगर आपने इसके मूवमेंट को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो इसके बेस पे क्या होता है, अ थिक स्ट्रक्चर इन द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल. तो शेल में ही घुस जाता है इसका पूरा बॉडी, फिर कभी कभी बाहर निकलता है. और ये जो थिक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो थिक स्ट्रक्चर है ये वाला, इट इज इट्स फूट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. तो ये हो गया स्नेल के बारे में. अब हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे. कॉकरोचेज़ आपने देखे होंगे, बहुत ईजिली फाउंड, दे आर द मोस्ट ईजिली फाउंड एनिमल्स. तो ये जो एनिमल्स हैं कॉकरोच है, दे वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. इट हैज़ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, 1, 2 एंड 3. थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इसमें विच हेल्प इन वॉकिंग. द बॉडी इज़ कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन. इसमें फेदर्स भी विंग्स भी होते हैं. दिस आउटर स्केलेटन इज़ मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट. दे आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट. तो ये जो विंग्स हैं ये ब्रेस्ट में अटैच हैं. सॉरी, द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स. दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग. द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग वेन कॉकरोचेज फ्लाइज. तो जो लेग्स की मसल्स हैं वो डिफरेंट हैं और जो विंग्स को ब्रेस्ट मसल्स जो प्रोवाइड कर रही हैं हेल्प, एक तरह से हेल्प कर रही हैं विंग्स को फ्लाई करने में, कॉकरोच को फ्लाई करने में, उनका फंक्शन अलग है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. इसमें देखेंगे हम बर्ड्स का मूवमेंट के बारे में. बर्ड्स जो हैं दे फ्लाई इन द एयर, सॉरी दे फ्लाई इन द एयर एज वेल एज वॉक ऑन द ग्राउंड. तो ये इनके जो लेग्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं, इनके जो विंग्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं. और कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक्स हैं, स्वैन्स हैं, दे ऑल्सो स्विम इन वाटर. तो इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं. द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग. कैसे उनकी बॉडीज कैसे सूटेड हैं फ्लाइंग के लिए, क्योंकि इनकी बोन्स जो हैं बहुत लाइट वेट होती हैं, हॉलो होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेट है बहुत ज़्यादा नहीं होता. द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. तो जो फोर लिम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हाइंड लिम और फोर लिम होते हैं. हाइंड लिम जो है वो लेग्स में डेवलप्ड है, स्मॉल लेग्स में, और फोर लिम जो है वो विंग्स में डेवलप हो गए हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग. शोल्डर बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो विंग्स का जो वो अपनी बॉडी कैरी कर लेते हैं विंग्स पे फ्लाई करके. द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. सो दिस इज हाउ द बर्ड्स दे मूव. अब नेक्स्ट जो एनिमल है जिस फिश जिसको हम डिस्कस करेंगे. फिश की एक टिपिकल बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन. जो फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन जो है वो टेपरिंग होता है, टेपरिंग एंड्स होते हैं.
और जो बीच वाला पोर्शन है ये ब्रॉड होता है. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी. तो फिशेस में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी वजह से वो हेल्प उनको एक हेल्प मिलती है वाटर में मूव करने के लिए. द स्केलेटन ऑफ फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. तो मसल्स इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स टेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट. तो ये फ्रंट पार्ट है, ये टेल है ऑपोजिट पार्ट. देन द फिशेज फॉर्म अ कर्व. तो इस तरह से मूव करती हैं कि एक तरह का कर्व फॉर्म कर लेती हैं. द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड दिस मेक्स अ जर्क्स एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड. तो ये जो बॉडी और टेल है, बेसिकली ये बॉडी है जहाँ पर फिन्स हैं और ये टेल है, तो ये एक तरह का कर्व प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से वो वाटर में मूव कर लेते हैं. अ सीरीज ऑफ जर्क्स मेक्स द फिश स्विम अहेड. दिस हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल. तो फिन्स हैं यहाँ पर. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स इन देयर बॉडी विच हेल्प मेनली टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वेल स्विमिंग. तो फिन्स और टेल्स जो हैं, इनका जो फंक्शन है फिशेज में वो बैलेंसिंग का है. अब हम देखेंगे स्नेक्स कैसे मूव करते हैं. स्नेक्स लूप फॉर्म में मूव करते हैं. ये कुछ इस तरह का लूप फॉर्म होता है जब ये मूव करते हैं. तो इनमें बहुत सारे थिन मसल्स होते हैं. लॉन्ग बैकबोन होती है. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. तो जो मसल्स हैं एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से दूर होते हुए भी ये कनेक्टेड हैं. They also interconnect the backbone, ribs and skin. The snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. तो ये loops की वजह से ये move करते हैं और ground पर press करके कुछ इस तरह से move करते हैं. Since its long body makes many loops and each loop gives it to a push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. तो ये हमेशा loops में move करते हैं, straight line में move नहीं करते हैं. तो इस तरह से snakes move करते हैं. This is the end of this video. If you like this video, then please click on the like button and subscribe to the channel. एक और important note जो है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ human skeleton के बारे में, कि हमारे जो बॉडी में बोन्स हैं वो कितनी है. वो तो आपको पता है कि 206 हैं, बट इनिशियली जब हमारा बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो नंबर ऑफ बोन्स हैं दे आर मच हायर. 270 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. आप बाद में क्या होता है, जब एक जो बेबी है वो डेवलप करता है तो ये जो बोन की डेंसिटी है ये कम हो जाती है. जो नंबर ऑफ़ बोन्स हैं ये फ्यूज़ होने लगती हैं, और फ्यूज़ होके हमारे जब अडल्ट एक कंप्लीट अडल्ट फॉर्म होता है तो उसके पास होती हैं 206 बोन्स. तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन योर बॉडी एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. तो आंसर आपका होगा 270 बोन्स. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.